अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई क्या आप लोगों के किल चोरी होते हैं मेरी तरह, तो आप लोग में से 99% लोगों का जवाब तो यही होगा, जी हाँ भाई। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस यार देखो, आप लोगों की तरह मेरे भी बहुत सारे किल चोरी होते थे पहले बहुत, लेकिन गाइस जब से मैंने एक सेटिंग जानी है ना, जिसके बाद से मैं लोगों के किल चुराता हूँ। अगर आप लोग मेरे टीममेट से पूछोगे ना, वो यही कहेंगे भाई वो किल चोर है सबसे बड़ा वाला। तो गाइस यार देखो, वो सेटिंग कौन सी है, कैसे मैंने उसको करा है, तो यार आज की वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, एंड चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस आप लोग के साथ क्या होता है कि जब भी आप लोग कोई नॉर्मल क्लासिक में आप लोग गेम खेलते होगे, तो आप लोग जैसे कोई बंदा या बोर्ड देखे तो आप सोचते हो कि छुप्पे से जाके मार लें, और जैसे आप लोग एक गोली मार दो पीछे से फायर आता है और आपका किल चोरी हो जाता है। तो बिल्कुल यही सीन मेरे साथ भी होता था, तो बहुत दुख होता था। और कभी कभी एनिमी चुरा ले किल, तो यार वो तो दुख अलग ही होता था। तेरे आज की वीडियो में जो बताने वाला हूँ ना, इसको गौर से देखना, जिससे आप लोग ना ऐसे किल चोर बनोगे जैसे सामने वाला बंदा होगा ना अपोजिट वाला, उसके भी किल चुरा लो। तो गाइस किल चोर मास्टर बनने के लिए ना पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं। देखो यार, सबसे पहले ना आप लोग को रिफ्लेक्स की जरूरत पड़ेगी। अगर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि रिफ्लेक्स कैसे अच्छा करना है, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप लोग देखोगे कि आप लोग को यहाँ पे अगर मार रहा है बंदा, ठीक है, अचानक से कोई दोस्त आपका कहीं बंदा मारने लगेगा, तो आप लोग को तुरंत रिफ्लेक्स दिखा के उसको मार देना, ठीक है। तो ऐसे अगर अगर आपका रिफ्लेक्स अच्छा रहेगा तो आप लोग तुरंत उसको मार पाओगे एंड किल चोरी कर पाओगे। तो अगर रिफ्लेक्स पे वीडियो चाहिए तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लेना। सेकंड चीज़ गाइस ये कि आपको जो ये मार्क लोकेशन है ना, ये मॉडर्न होना चाहिए। अब इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि हाउ टू इनवेल मॉडर्न लोकेशन इन बीजेमआई, तो आप लोग ये वाली वीडियो भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं आपको इसी में बता देता हूँ कि आप लोग को देखो सेटिंग पे जाना है, एडवांस कंट्रोल पे जाना है, एंड सबसे नीचे नहीं आना, आपको धीरे धीरे नीचे करना। पहले वाले पैराग्राफ में फीचर्स वाले ऑप्शन में ही सबसे नीचे आप लोग को देखने को मिलेगा मार्क स्टाइल, एक होगा क्लासिक। क्लासिक में आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से होगा, जो कि आपको बहुत बेकार होगा। तो आप लोग को ये जो मॉडर्न आया है इसको आप लोग को एनेबल कर लेना, मतलब मॉडर्न को सेलेक्ट कर लेना। अभी गाइस आप लोग देखोगे जैसे कि मार्क करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छा आता है, और जितनी दूर मार्क करूँगा उतनी ऊपर यहाँ पे जाएगा। एंड अगर यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा ऊपर, मतलब मार्क मैंने यहाँ करा और मेरा जो ये दिखा या रहा है यहाँ तक दिखा रहा है, मतलब कि कोई भी बंदा दूर से ही देख लेगा कि आपने मार्क कहाँ पे करा है। गाइस मैंने ये दो चीज़ें क्यों बताई, इसका फ़ायदा क्या होता है? तो पहले तो चीज़ ये कि देखो आप लोग जैसे कोई बंदा मार, जैसे मैं यहाँ पे कोई बंदा मार रहा हूँ, अगर मेरे टीममेट ने कहीं यहाँ पे कोई बंदा मार रहा, चुप्पे से मार रहा हूँ, मुझे नहीं दिखा, ठीक है। तो ये जो आप लोग को एक सेटिंग करनी है, आप लोग को यहाँ पे जो सेटिंग पे जाना है, एडवांस कंट्रोल पे आना है। एडवांस कंट्रोल पे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे दिखेगा ऑटो मार्क हिट लोकेशन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका डिसेबल होगा, सबका डिसेबल होता है, मैंने इनेबल करा है, तो आपका ये डिसेबल होगा, इसको आप लोग को इनेबल कर लेना है। तो आप लोग को बता दो इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे बंदा मार रहे हो चुपचाप अकेले, ठीक है, और आपका टीममेट चुप्पे से जाए और कहीं बोट मारने लगे, तो आप लोग को बता दो जैसे वो बोट पे एक 100 मीटर के अंदर में आपकी रेंज में होगा, 100 मीटर या 200 मीटर के अंदर में वो बोट मारेगा, जैसे भी वो बॉडी मारे या हेड मारे तो आप लोग को एक मार्क आ जाएगा ऑटोमेटिक कि वो बंदा है कहाँ पे, ठीक है। तो आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लोग वो जानेगा ही नहीं कि वो बंदा आपने देख लिया है, तो आप चुप्पे से उसको किल मार के आपका स्पीड अच्छा होगा, तो आप उसका किल चुरा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी कमाल की चीज़ है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि इससे मैंने अपने दोस्तों के इतने किल चुराए हैं, इतनी दुआएं ली हैं कि भाई मैं पूछ बताऊं कि आप लोगों की, ठीक है। तो आप लोग भी इस ट्रिक को आजमाओ। देखो बहुत सिंपल है, सेटिंग पे जाना है, एडवांस कंट्रोल पे आना है, एंड आप लोग को तो पहले वाले जो फीचर्स वाले ऑप्शन है इसको छोड़ के, ये पैराग्राफ छोड़ के, नीचे जो असिस्ट फीचर्स है आप लोग को इधर थर्ड नंबर पे देखने को मिल जाएगा, ऑटो मार्क हिट लोकेशन, इसको आपको डिसेबल होगा, एनेबल कर लेना है। ऑलराइट गाइस, यही था आज की इस वीडियो में। एंड गाइस अगर आपको कुछ भी कमेंट में पूछना तो आप लोग बेझिझक पूछ लेना, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। एंड अगर आप लोग को व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। तो चलो गाइस बाय, अपना ख्याल रखना यार, लव यू ऑल।